हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुबलक्ष्मी और आप सभी को लजीज जायका में स्वागत है। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी में मैंने ये बेसन की बर्फी बना के तैयार किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप देख सकते हैं, देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। और मैंने इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लिया है, 1 घंटे से कम टाइम में आप इतनी सुंदर सी बेसन की बर्फी बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो फिर आइए आज बनाते हैं बेसन की बर्फी अपनी कान्हा जी के लिए, वो भी इस साल जन्माष्टमी में। इस बेसन की बर्फी को आप स्टोर करके रख भी सकते हैं 1 महीने तक और आराम से आपकी मर्जी जब भी होगी खा भी सकते हैं। तो फिर आइए ये सुंदर सा बेसन का बर्फी बना के तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और ये मीडियम फ्लेम पे उसको बिठाना है और इसमें मैंने 1/2 कप घी का इस्तेमाल किया है। देखिए, इस कप में मैंने 1/2 कप घी लिया है। जब घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। मैंने बेसन को पहले से छन्नी से छान लिया है अच्छी तरह से, उसको अभी हम इस घी में ऐड करेंगे। देखिए, हमारा ये घी मेल्ट हो चुका है दोस्तों। अभी इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है। देखिए, मेरा घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे बेसन धीरे धीरे इसमें डालूँगी और ऐसे मिलाती रहूँगी। देखिए, आप धीरे धीरे बेसन डालते रहिए और इसको अच्छी तरह से मिलाते रहिए। जैसे कि घी में बेसन अच्छे से मिल जाए वैसे आपको मिलानी है। देखिए, मैंने यहाँ पे सारे बेसन को डाल दिया है घी के साथ और अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी अभी। जैसे कि घी में बेसन हर तरफ से मिल जाए अच्छे से। आपको जितना भी टाइम लगेगा दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से एक बार मिला लीजिए, फिर आगे की प्रोसेस हम करेंगे। आपको ऐसे लग रहा होगा कि बेसन हमारा ज़्यादा हो गया और घी कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बेसन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, घी ऑटोमेटिक बेसन से निकलने लग जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे बेसन को अच्छी तरह से मिला लिया है। आपको इसको ऐसे ही चलाती रहना है, नहीं तो बेसन ज़्यादा पक जाएगा और कलर भी अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए, मेरा ये बेसन घी के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है। ऐसे ही आपको थोड़ी देर तक इसको फ्राई करनी है। बेसन की कच्चा सा स्मेल निकल जाए तब तक इसको फ्राई करनी है। आप जितना टाइम लगाते हैं इसको फ्राई करने में, बेसन का स्वाद और उसका स्मेल उतना ही अच्छा आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे घी के साथ बेसन को अच्छी तरह से मिला के फ्राई कर लिया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे अभी घी थोड़ा सा बेसन से निकलने लग गया है। आपको पहले जैसा टेक्सचर था, अभी इस टेक्सचर में फ़र्क नज़र आता होगा। जब भी बेसन को घी में डाले थे तभी लग रहा था कि हमारा घी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी जैसा टेक्सचर आया हुआ है आप देख के जान पा रहे होंगे कि घी बेसन के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है और इतना ही घी हमको काफ़ी था। देखिए, मेरा बेसन कितना अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें से। ये अच्छे से पक भी चुका है। इसे चलाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुका है। बस यही एक आपको काम करनी है कि बेसन को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेनी है घी के साथ और उसका स्मेल बहुत अच्छी तरह से आने लग जाए, फिर हमें आगे की प्रोसेस करनी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि घी आपका कम हो गया है, आप इस स्टेज पे और 2 टेबलस्पून घी
ज़्यादा ऐड कर सकते हैं या फिर जितना ज़रूरत है घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा घी जितना लिया था इतना ही इस बेसन के लिए काफ़ी था, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर मुझे लगे आगे कि मुझे घी और डालना है तो मैं ज़रूर डालूँगी। देखिए बेसन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें ये हाफ कप सूजी ऐड कर रही हूँ। मैंने सूजी को थोड़ा सा ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया था और इसको इस बेसन के साथ मैं ऐड कर रही हूँ। बेसन के साथ आप अगर सूजी ऐड करके बनाओगे ये बर्फ़ी, आपका ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही कुरकुरा सा स्वाद भी देगा। आप अगर सूजी मिलाना नहीं चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें सूजी डालते हैं तो आपका बेसन का बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सूजी डालने के बाद हमें थोड़ी देर और इसको फ्राई कर लेनी है, क्योंकि सूजी में से भी कच्चापन निकल जाए तब तक हमको इसको फ्राई कर लेनी है। देखिए ये घी और बेसन के साथ सूजी भी अच्छे से मिल चुका है। मुझे लग रहा है दोस्तों मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी और डाल दूँ ताकि ये अच्छे से मिल जाए और इसका टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा बन जाए। सूजी भी यहाँ पे लगभग फ्राई हो चुका है दोस्तों। मैं अभी इसमें 2 बड़े चम्मच घी और डालने वाली हूँ। दोस्तों घी आपको जितना ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी 2 स्पून और 1/2 स्पून मिला दिया है। देखिए अभी इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ गया है। ऐसे ही टेक्सचर हमको चाहिए। इसे फ्राई करते हुए मुझे 1/2 घंटा हो चुका है। अभी सूजी भी अच्छी तरह से पक चुका है। ये सही बात है दोस्तों, बेसन को अब जितनी देर तक घी में फ्राई करोगे उसका स्मेल बहुत ही सुंदर आएगा। और यहाँ पे मेरा बेसन और सूजी बिल्कुल ही पक चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ये इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर के जगह आप अगर चाहो तो गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास केवड़ा वाटर अगर है वो भी यूज़ कर सकते हो, आपको उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आएगा। इलायची पाउडर से आपका ये बर्फी का स्मेल बहुत ही सुंदर आता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी मैं इसका स्वाद और थोड़ा बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करूँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर से इसका स्वाद और भी अच्छा बन जाता है। मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी ब्रांड के मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और मिल्क पाउडर इसमें डालने से देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी, लेकिन एक बार ये मिल्क पाउडर अच्छे से इससे मिल जाए फिर टेक्सचर वापस जैसे था वैसे हो जाएगा। अभी स्टेज पे आपको घी या फिर कुछ भी और ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिल्क पाउडर गर्म होते ही अच्छी तरह से बेसन के साथ मिल जाएगा और ये अच्छा टेक्सचर फिर से आ जाएगा, जैसा हमारा था वैसा टेक्सचर आ जाएगा। देखिए देखिए मैंने मिल्क पाउडर को सूजी और बेसन के साथ अच्छे से मिला के फ्राई कर लिया है और इसकी जो टेक्सचर अभी था वो चेंज हो चुका है, जो जैसे पहले था वैसे बन चुका है। अभी इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मिला दूँगी 1/2 कप गुड़। मैंने ये मिठाई को गुड़ से बनाने को सोचा है। आप इसको शुगर से भी बना सकते हो, बस यहाँ पे आप
ग्राइंड करके हाफ कप शुगर डाल दो तो ये अच्छे से बन जाएगा। मैंने यहाँ पे हाफ कप गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छे से इसके साथ मिला के हमको फ्राई कर लेनी है। जब तक गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब तक हमको फ्राई करनी है। देखिए यहाँ पे गुड़ अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये इस बेसन के साथ अच्छे से मिल गया है। अभी मैं यहाँ पे 1/4 कप नारियल की पाउडर मिला रही हूँ। अभी इसको भी इस बेसन के साथ हमें अच्छे से मिला के फ्राई कर लेनी है। देखिए यहाँ पे बेसन के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी है। ये बढ़िया से पक भी चुका है, नारियल भी अच्छे से मिल चुका है इसके साथ। बस इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है। ये तैयार हो चुका है दोस्तों। हमें जिस प्लेट में बर्फ़ी जमानी है उसको थोड़ा सा ऑयल देके ग्रीस कर लेनी है। देखिए मैंने ये प्लेट लिया है बर्फ़ी जमाने के लिए और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है हर तरफ से। और अभी हम इसके ऊपर बेसन का ये पेस्ट डाल देंगे और इसको जमाने के लिए सेट कर लेंगे। देखिए हल्के हाथों से आप ऐसे इसको अच्छे से सेट कर लीजिए इस प्लेट के ऊपर। हर तरफ से आप अच्छे से इसको प्लेन कर लीजिए और सेट करके रख दीजिए। देखिए ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ काजू और बादाम को और 4 मगज़ को घी में फ्राई कर लिया था। अभी इसके ऊपर मैं स्प्रेड करके इसको डाल दूँगी और अच्छे से सजा लूँगी। देखिए ये इस तरह से मैंने इसको सजा लिया है। अभी आप इसको 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रख दीजिए साइड में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसको कट कर लेंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा नारियल पाउडर और स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये और भी सुंदर दिखे। देखिए इसको ऐसे ही हमको स्प्रेड कर लेनी है। अभी इसको हम 2 से 3 घंटा सेट होने के लिए रख लेंगे। आप चाहो तो इसको फ्रीज में भी सेट करने के लिए रख सकते हो। 1 घंटा आप फ्रीज में रख दो तो ये सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे बर्फ़ी सेट हो चुका है। अभी इसको हम काट लेंगे। फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस बेसन की बर्फ़ी को ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करिएगा। आप लोगों को इसकी टेस्ट कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन दबा देने से आप सभी को मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसीलिए बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम टेक केयर। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।